मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के भी दिमाग में ये बहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तुम इससे लड़िए, मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पर ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए, और जितने गांव के लोग हैं भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रहोगे 5 साल प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा, अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है जिसकी पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? सही सही बिल्कुल जी। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बारात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं आपके अपने व्यक्तिगत काम हो, तुम्हारे गांव के प्रत्याशी हैं, कोई आज तो पैदा नहीं हुए गांव में, एक शुरू से देख रहे हो तुम कैसा है, नियत तुम्हें पता ही है, जिसकी नियत पहले साफ नहीं है बाद में कैसे हो जाएगी, जब वो बन जाएगा तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका, आप तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे, अगर अभी दो पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना तो बाद में किसको कोसोगे भाई।